हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज ऑडिटिंग चैप्टर में मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट। नाउ पहले तो इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग समझेंगे कि इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट कहते किसको हैं। सो मीनिंग देखिए, सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल लिखा हुआ है, ठीक है। सो इंटरनल कंट्रोल की मीनिंग होती है, इंटरनल कंट्रोल इज़ द बेस्ट रिगार्डेड एज इंडिकेटिंग द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स, फिनेंशियल एंड अदरवाइज, एस्टेब्लिशिंग बाय द मैनेजमेंट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस, इंक्लूडिंग इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल। किसी भी बिज़नेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फाइनेंस। फाइनेंस में कंट्रोल कैसे होता है कि कितना एक्सपेंस करना है, कितना नहीं करना है, दैट इज़ फाइनेंस कंट्रोल। सो ऐसे बहुत सारे कंट्रोल होते हैं। आप देखिए, एक घर का जो बड़ा होता है, जो फाइनेंस संभालता है, वो भी कभी कभी आपको एक्सपेंस पे कंट्रोल करता होगा। तो यहाँ पर है इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग क्या होगा कि बिज़नेस में फाइनेंस के रिलेटेड किसको पेमेंट देनी है, किसको नहीं देनी है, किस सैलरी तक एम्प्लॉइज़ को अपॉइंट करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। जो जो एम्प्लॉई बाहर जाते हैं, उन एम्प्लॉइज़ को इंसेंटिव कितने दिए जाएंगे, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सो इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग होगा है कि बिज़नेस में इंटरनल चीज़ों पर कंट्रोल कैसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं एम्प्लॉइज़ जो लेट आते हैं या ज़्यादा छुट्टियां करते हैं, तो कंट्रोल सिस्टम क्या होगा हमारा, वो सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल। अब स्कोप क्या है इंटरनल कंट्रोल का, तो इंटरनल कंट्रोल में बजट्स बनाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटरनल कंट्रोल में। देन ट्रांजेक्शन्स आर एग्जीक्यूटेड एज ऑथोराइज्ड बाय मैनेजमेंट। समझो मैनेजमेंट में जो भी अथॉरिटी दे दी कि हमें न्यू एम्प्लॉइज अपॉइंट करने हैं 10 और हर एक की सैलरी 20,000 रुपीज़ होनी चाहिए। सो ये कंट्रोल है कि 20,000 से ज़्यादा सैलरी पर हम अपने एम्प्लॉइज़ को, न्यू फ्रेशर्स को तो नहीं रखेंगे, ठीक है। सो ये एक कंट्रोल सिस्टम काम करता है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर इन कन्फर्मिटी विथ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हम अपने फाइनल अकाउंट्स ऐसे ही बनाएंगे जो प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड हैं। द एसेट्स आर प्रॉपरली मेंटेन्ड, तो इसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। नाउ आगे हम एक और पॉइंट करते हैं कि इंटरनल चेक किसे कहेंगे। इंटरनल चेक लास्ट लाइन पर दिया हुआ है, आप अपने बुक में देखिए। इंटरनल चेक सिस्टम is based on the principle of division of labor. अब एक बड़ी कंपनी में, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि अमूल का, तो अमूल में कितने सारे डिवीजन्स हैं। अमूल वैसे तो फेमस है मिल्क के लिए, लेकिन क्या पता है आपको कि अमूल में मिल्क के सिवा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे अमूल बटर, अमूल चीज़, अमूल आइसक्रीम, अमूल घी, दिवाली में तो स्वीट्स भी बनाते हैं। कितने सारे अंदर डिवीज़न होंगे, किसी डिपार्टमेंट में मिल्क बन रहा होगा, पैकिंग हो रहा होगा, बॉयल हो रहा होगा, दूसरे डिपार्टमेंट में आइसक्रीम बनाई जा रही है, तीसरे डिपार्टमेंट में बटर बनाया जा रहा है, घी बनाया जा रहा है। सो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह कोई भी आया कहीं भी काम करने लग गया, नहीं, उनके डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। सो यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर चाहिए होता है। सो इसे कहते हैं इंटरनल चेक कि किस एम्प्लॉय को कहाँ अपॉइंट करना है। द सिस्टम वेयर बाय वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज सब्जेक्टेड टू एन इंडिपेंडेंट चेक बाय अनदर एम्प्लॉय। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने 12th में मैनेजमेंट सीखा है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट, देन मिडल लेवल, टॉप लेवल। टॉप लेवल वाले मिडल लेवल का वर्क चेक करते हैं, मिडल लेवल एम्प्लॉयज़ बॉटम लेवल एम्प्लॉयज़ का काम चेक करते हैं, तो उसे कहते हैं इंटरनल चेक।
ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये रीड ओनली हैं। रीड ओनली का मतलब होता है, मैं यहाँ पर आर ओ लिख देता हूँ, रीड ओनली यानी एक बार सिर्फ पढ़ लोगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, हमेशा याद रखना, कहीं पर भी डेफिनेशन आती है ना, तो वो आपको वर्ड बाय वर्ड सेम लिखनी होती है। डेफिनेशन को आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, बाकी आप मीनिंग या और कोई चीज़ अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट डेफिनेशन को आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। सो इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग हमने क्लियर किया। अब नेक्स्ट में है इंटरनल चेक, ठीक है। अब इंटरनल चेक के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्यों ज़रूरी है इंटरनल चेक्स? टू डिटेक्ट एरर्स कमिटेड बाय द एम्प्लॉइज। अब पूरा ऑडिट ही एरर चेक, एरर के लिए होता है कि एम्प्लॉइज से या किसी से भी कोई एरर हो रहा है। टू डिटेक्ट फ्रॉड, फ्रॉड हो रहा है। टू मेक द एम्प्लॉय रेगुलर देयर वर्क, एम्प्लॉय अपने काम में रेगुलर है या नहीं है। टू फिक्स अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिगार्ड्स टू एरर, अगर कोई एरर हुई है तो उसका, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। टू अरेंज फॉर, जितने भी अकाउंट्स हैं रेगुलर हैं, सिस्टमेटिकली हैं, कंप्लाइंस हैं, वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। अकाउंटिंग सिस्टम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेक होती हैं। और क्या है, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉय, ये सब के सब चेक किए जाते हैं। सो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इंटरनल चेक के। कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस होंगी, ये दोनों आप रीड ओनली करोगे, ठीक है। सो हमारा इंटरनल चेक पॉइंट हुआ, इंटरनल कंट्रोल हुआ। अब हम आगे देखेंगे इंटरनल ऑडिट। ये जो बीच में पॉइंट्स हैं इसे आप छोड़ दो, ये इतने इम्पॉर्टेंस नहीं हैं। जो इम्पॉर्टेंस होंगे वो मैं करवा दूंगा, फिर भी आपको अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए तो एक बार रीड कर लेना पूरे। नाउ इंटरनल ऑडिट, ठीक है। अब हम इंटरनल ऑडिट कैसे कहते हैं, एक इंटरनल ऑडिट हम करेंगे और दूसरा आपको क्या करना है, ये डिफरेंस बिटवीन एक बार रीड कर लेना है। हमेशा देखिए, डिफरेंस बिटवीन जो है ना वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप एक बार डिफरेंस बिटवीन रीड कर लोगे तो आपके दोनों पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे कि इंटरनल चेक कैसे कहते हैं, इंटरनल ऑडिट कैसे कहते हैं। नाउ ऑडिट में क्या होता है, तो हम पहले से ही फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन से ही सीख कर आए हैं कि ऑडिट क्या होता है, कि ऑडिटर का काम होता है जो अकाउंट्स हो चुके हैं, जो अकाउंट्स किए गए हैं, उसे ही चेक किया जाए। अब इसमें टू टाइप के ऑडिटर होते हैं, एक होता है इंटरनल ऑडिटर जो कंपनी का अपना ऑडिटर होता है, दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिटर जो बाहर की किसी एजेंसी से या CA से अकाउंट्स चेक करवाए जाते हैं। अब समझो किसी भी कंपनी में एक अकाउंटेंट ने अकाउंट किया तो उसके अकाउंट्स में एरर होने के चांसेस हैं, बट उसी कंपनी का एक अपना पर्सनल CA अपॉइंटेड है और वो CA क्या करता है, वो CA उस कंपनी के अकाउंट्स को चेक करता है और चेक कर उनमें से मिस्टेक्स जो हैं वो हटा देता है। सो इंटरनल ऑडिट करने से क्या होता है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा उसे ज़्यादा मिस्टेक्स या एरर्स या फ्रॉड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो इंटरनल ऑडिटर है, इंटरनल किसी ने चेक किया है तो वो भी तो एक ऑडिटर है, वो भी तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसने भी तो मिस्टेक्स निकाल कर करेक्ट कर लिए होंगे, ठीक है। सो चलिए इंटरनल ऑडिट को देखते हैं। इन लार्ज बिजनेस अंडरटेकिंग्स न्यूमरस ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस एवरी डे, इफ प्रॉपर कंट्रोल इज नॉट एक्सरसाइज ओवर दैम एरर्स एंड फ्रॉड्स मे बी कमिटेड। देखो एक बिजनेस होता है ना, उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं। आप देखिए अमूल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोडक्ट पूरे इंडिया में बेचे जाते हैं, इंडिया के बाहर भी जाते हैं, कितने सारे ट्रांजेक्शंस होंगे। हर सिटी में उनके अमूल पार्लर्स हैं, किस जगह कितना कितना सप्लाई हुआ, कितने गुड्स गए, पेमेंट आया या नहीं आया, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है इनको। या एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं पेप्सी का, तो पेप्सी देखो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में बिकती है, डोमिनोज 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में बिकते हैं। सो इनके ट्रांजेक्शन्स कितने सारे होंगे, सिर्फ इंडिया में ही डोमिनोज के 1000 से ज़्यादा काउंटर्स होंगे, एयरपोर्ट पर भी आपको मिलेगा डोमिनोज। सो ये सब इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स को कौन मेंटेन करता है? सो जब तक इंटरनल ऑडिटर नहीं होगा, हो सकता है मिस्टेक्स एंड एरर्स बहुत सारे होंगे।
सो कहने का मतलब इंटरनल ऑडिटर को वही अपॉइंट कर सकता है जिनके ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होंगे। अगर थोड़े से ट्रांजेक्शन्स हैं या एक जनरल स्टोर है या एक छोटा सा बिजनेस है तो वो ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकता, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके इतने ट्रांजेक्शन्स भी नहीं होंगे और वो इतना कमाता भी नहीं होगा। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर द कॉन्टीन्यूअस ऑडिट इज कैरिड आउट बाय पेड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑडिटर रोज आता है, कंपनी में आता है, जो अकाउंटेंट्स ने अकाउंट्स किए ना वो रेगुलर बेसिस पर चेक करता जाता है कि सब, चलो लास्ट वीक अकाउंट हुए इस वीक चेक हो गए, तो जब लास्ट वीक अकाउंट हुए होंगे इस वीक चेक हो गए या कल अकाउंट हुआ होगा आज चेक हो गया तो उसमें फिर मिस्टेक्स मिलती ही नहीं है, मिस्टेक्स होते ही नहीं है, ठीक है, या होते भी हैं तो एरर है या कोई फ्रॉड है तो जल्दी से पकड़ा जाता है। सम बिजनेस अंडरटेकिंग अपॉइंट ऑडिटर फॉर कॉन्स्टेंट एंड रेगुलर चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। कुछ बिजनेस अपने रेगुलर अकाउंट्स को चेक करने के लिए ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं से एग्जांपल रिलायंस है, टाटा है, इनके अपने इंटरनल ऑडिटर होते हैं जो इनके अकाउंट्स चेक करते रहते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो, कोई एरर ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। सच अरेंजमेंट इज नॉन एज इंटरनल ऑडिट। अब इसे इंटरनल ऑडिट कहते हैं विच इज़ कैरिड आउट इन एडिशन टू स्टेचुटरी ऑडिट। अब ये स्टेचुटरी ऑडिट क्या होता है, ये अलग टाइप का ऑडिट है, अपार्ट फ्रॉम स्टेचुटरी ऑडिट इंटरनल ऑडिट किया जाता है। द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट इज दैट इट इज कंसर्न विद प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स एंड चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ऑडिटर का काम ही होता है एरर्स निकालना, मिस्टेक्स निकालना, फ्रॉड्स निकालना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग गोज बियॉन्ड दैट, इट कंसिस्ट ऑफ द कंटिन्यूस एंड क्रिटिकल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अब मॉडर्न में क्या होता है कि पहले तो सिर्फ एरर्स एंड फ्रॉड चेक करना होता था, बट उसके बाद ये भी है कि फाइनेंशियल रिव्यूज़ क्या है, कंपनी के पास फाइनेंस कितने हैं, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी लॉस में चल रही है, कंपनी में फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें एक इंटरनल ऑडिटर चेक करता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके मैंने तीनों पॉइंट्स कवर किए, एक इंटरनल ऑडिट कवर किया, इंटरनल कंट्रोल कवर किया एंड इंटरनल चेक कवर किया। इस चैप्टर में ये तीन पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट थे, इन्हें ध्यान से पढ़ना, लर्न कर लेना और बाकी के रीड ओनली में रखना। रीड ओनली मीन्स सिर्फ आपको एक बार रीड करके छोड़ देना है। वैसे तो ऑडिट चैप्टर बहुत इजी है, ऑडिट के सारे चैप्टर्स इजी हैं। अब एक काम करना, एग्ज़ाम में है ना पेपर खाली मत रख कर आना, समझो कोई भी ऑडिट का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आप उसमें मीनिंग तो लिख सकते हो कि ऑडिटर की मीनिंग क्या है, ऑडिट करता क्या है, ऑडिटर का काम क्या होता है। सो आप पेपर खाली मत छोड़ कर आना, कहने का मतलब आपको जितना आ रहा है उतना लिखोगे, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसमें भी ऑडिट की मीनिंग तो लिखकर ही आओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये चैप्टर मैं यहीं पूरा करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम आगे के चैप्टर्स करेंगे।